हो गया हमारा सामान पैक और मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये है था फैमिली ट्रिप, और फैमिली ट्रिप में ना काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, इन्जॉयमेंट होती है। तो हम लोग आखिरकार पहुँच गए कहाँ, वाराणसी यानी कि बाबा की नगरी। बाबा की नगरी मतलब सुकून। तो उसके बाद हम लोग पहुँचे होटल, और यहाँ पर आने के बाद देखिए मम्मी लोग तो फ्रेश होना भी स्टार्ट कर दिए, बट मुझे तो अपना ब्लॉग भी शूट करना है भाई, इतना अत्याचार। तो यहाँ पर मैंने ना 3 रूम रिजर्व किया हुआ था, तो फर्स्ट रूम तो फीमेल ग्रुप है, सेकेंड में मेरे देवर ने पहले से कहा था कि ये रूम तो भाई मेरा है, तो उन्हें हम लोगों ने ये रूम ऑफर कर दिया कि भाई ले लीजिए, आपका ही रूम है। अब मैं आपको लेके जा रही हूँ अपने थर्ड रूम में, जो कि है पल्टन ग्रुप, जिसमें मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड्स हैं। तो इन लोगों को पहले ही मैंने बता दिया था कि वीडियो शूट होने वाला है, तो ये लोग पोज लेकर बैठे हुए थे, जल्दी जल्दी शूट कर लो भाई, भूख लगी है, फ्रेश भी होना है। तो क्योंकि भूख तो लगी गई थी सबको, क्योंकि रात की जर्नी थी और सुबह उठने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया हम लोग को स्टेशन से रूम तक आने के लिए। तो फिर हम लोग सब सोचा कि जल्दी जल्दी फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद चलेंगे खाना खाने के लिए। तो मैं ना अभी आपको होटल से व्यू दिखाने वाली हूँ बाहर का, काफ़ी एकदम मतलब सही लग रहा था कि हाँ, मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम आखिर बाबा की नगरी पहुँच गए। वो कहते हैं ना, अगर बाबा का बुलावा आए तो कितनी भी तकलीफ हो आप पहुँच ही जाते हैं। तो अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, Day 1 इन वाराणसी। तो उसके बाद फ्रेश होने के बाद धूप काफ़ी तेज़ थी, तो देख ही सकते हैं मैं दुल्हन बनकर जा रही हूँ, एकदम मतलब अब बहुत ज़्यादा ही गर्मी थी। तो हम लोग सोचा आसपास में ही जो भी हम लोग को होटल मिल जाए था वहाँ खा लेंगे, क्योंकि ये होटल में खाने की फैसिलिटी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, क्योंकि अभी होटल का कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है, दैट्स वाई हम लोग को थोड़ा आसपास में जाना पड़ा। तो आखिर हम लोग पहुँच गए होटल, और मेरी मम्मी के चेहरे से आपको पता चल ही रहा है कि कितनी नींद आ रही है। तो हम लोग भी सोचा जल्दी जल्दी खाना खा लेंगे, उसके बाद सब फ्रेश होके घर पे आराम से सोएंगे, क्योंकि धूप को देखते हुए हम लोग डिसाइड किया कि अगर घूमना है तो शाम में। हाँ, इनका पोज ख़त्म नहीं होने वाला है, तो देख ही सकते हैं। खाना में हम लोगों ने दाल चावल लिया था, जिसको जो पसंद रोटी भी थी। तो खाने के बाद हम लोग जब घर आ रहे थे, यानी रूम आ रहे थे अपने, तो वहाँ पर मुझे मिला न्यू बॉम्बे मेकअप बाज़ार। तो कुछ चीज़ें ना हमारे लगेज में छूट गई थी, तो वहाँ पर लोगों ने देखा कि क्या मिल रहा है, अच्छा है या नहीं है, तो कुछ चीज़ें पसंद आई तो हम लोगों ने उसे ख़रीद लिया, और ख़रीद के सीधा पहुँच गए रूम। अभी तो कुछ समझ में किसी को भी नहीं आ रहा कि क्या करना है, सब लोगों ने सोचा कि अभी सो जाओ, शाम में उठेंगे और सीधा पहुंच जाएंगे गंगा आरती देखने के लिए, वो आज नहीं देखा तो क्या ही देखा। तो देख सकते हैं नींद मेरा पूरा हो चुका है अच्छी तरह से, और अब मम्मी ने बोले कि जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर मंदिर जाना है, क्योंकि काफ़ी भीड़ हो जाती है वहाँ पे, अगर आपको आरती देखना है तो आपको टाइम पे जाना पड़ेगा। तो इस टाइम में ना मैंने पर्पल कलर का कुर्ती ऑर्डर किया था मैंने, वो भी जल्दी जल्दी जाना है। और हम लोगों ने जो होटल लिया ना, वो नज़दीक में ही लिया था, बहुत दूर नहीं था मंदिर से, ताकि हम पैदल भी जा सकें। और लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भाई साहब पता चल गया कि और पहले आना चाहिए था, ताकि अच्छे से आरती देख पाऊँ। अभी मैं आपको व्यू दिखाने ही वाली हूँ कि कैसा है गंगा आरती का व्यू, मतलब गूज़बम्प मारने लगा आपको। तो आरती देखने के बाद कुछ टाइम तो घाट पे स्पेंड करना ही चाहिए, क्योंकि जितनी गर्मी दिन में थी उससे ज़्यादा सुकून अभी रात में है, और काफ़ी अच्छी हवा चलने लगी थी और बहुत अच्छा लग रहा था चलते हुए। तो ये था वाराही घाट, ऐसे बहुत सारे घाट हैं, 80 घाट से लेके मणिकर्णिका तक बीच में बहुत सारे घाट हैं, तो वो सब कुछ हम लोगों ने धीरे धीरे देखा। लेकिन अभी हस्बैंड बोल रहे हैं कि अगर थक जाओगी इतना चलोगी तो घाट, हम लोग जो पूरा घाट है वो बोट से देख लेंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कॉरिडोर की तरफ से, नहीं घाट से कॉरिडोर से बाबा विश्वनाथ मंदिर को जोड़ा गया है, तो वहीं पर जाएंगे बाबा के दर्शन करने के लिए। अभी मंदिर तक तो नहीं जाएंगे क्योंकि सुबह फ्रेश होके ही जाएंगे, अभी बोले कॉरिडोर की तरफ से भारत माता का मंदिर है, चलो वो देख लेते हैं, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं।
तो ये है मेरी पूरी फैमिली, यहाँ पे हस्बैंड सूट कर रहे हैं इसीलिए वो नहीं दिख रहे हैं। मेरी माँ है, मेरी सासू माँ है, बहन है और पीछे देवर है मेरे। तो यहाँ पर कुछ देर हम लोगों ने स्पेंड किया और मतलब भीड़ आप देख सकते हैं ना, भीड़ बहुत देर तक रहती है, लेकिन जैसे जैसे रात होता जाएगा भीड़ बहुत कम हो जाएगी और आप आराम से गंगा माँ की गोद में और हल्की हवा में बैठेंगे तो आपको मतलब सुकून मिल जाएगा। तो हम लोग सोचा पहले घाट भी घूम लेंगे, लेकिन अभी तो घाट नहीं जाना, सीधा मंदिर ही चलेंगे और मंदिर से आने के बाद ही यहाँ पर बैठेंगे। तो डिसाइड ही किया हुआ है हम लोगों ने कि रात में बैठेंगे, उसके बाद ही कहीं जाना है। तो अभी चलते हैं मंदिर की तरफ। तो ये घाट के तरफ से बाबा विश्वनाथ मंदिर जाने का रास्ता है, तो इधर से भी हम लोग जाने वाले हैं अंदर, और अंदर मैं अभी आपको व्यूज़ दिखाऊंगी। बहुत तो यहाँ से बाबा का मंदिर दिख रहा है, हर हर महादेव हर हर महादेव। तो हम लोग सुबह जाएंगे बाबा से मिलने, अभी तो रात भी काफ़ी हो गई है और फ्रेश होने के बाद ही जाना सही होगा। दिन में हम लोगों ने खाना भी खाया था, मंदिर जाने के लिए सुबह का टाइम सबसे परफेक्ट होता है। तो अभी यहाँ से हम लोग फिर रिटर्न हो जाएंगे और यहाँ पर आगे चल के ना आपको भारत माता का मंदिर भी मिलेगा, तो अभी वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो ये है भारत माता का मंदिर, ये भी बहुत अच्छा है। आप यहाँ पर आके कुछ देर अंदर बैठ सकते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर बैठ के भजन कीर्तन कर रहे थे, हम लोग भी कुछ देर के लिए यहाँ पर बैठेंगे। तो घाट घूमने के बाद हम लोग सब आ गए हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि सबको अब तो काफ़ी टाइम हो गया, भूख तो लगेगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, लव यू ऑल, हर हर महादेव।